अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये हमारा 7वें रोज़े की सहरी हो रही है, तो मैं अपने लिए एक अंडा बना के लाई थी, पराठा और थोड़े से चावल, और मेरे हस्बैंड ने यानी कि चाय और रस्क खाए थे। तो बस ऐसी हमारी सहरी निकल गई थी, और यहाँ पे जानू मानू बैठी हुई हैं और हम भी यहीं पे बैठे हुए थे, और ये देख रही थी छिपकली। तो छिपकली को देख के इनके दोनों के ना कान खड़े हो जाते हैं एकदम से ना, मानू जानू मानू की भी ना आंखें एकदम खुल गई। पहले जेंगो ने देखना शुरू करा और फिर जानू ने भी देख लिया, यानी कि छिपकली के पीछे तो ये भागी ऐसी। मुझे तो ऐसा डर लगा जैसे कि कहीं पकड़ ना लें, और जैसे कभी मैं ना हूँ कमरे के अंदर, ये बाहर भी ऐसे छिपकली तो गर्मियाँ हैं निकल कर आएंगी ही, तो अब तो छिपकली के पीछे ऐसे भागेगी और पता नहीं कहाँ पर से घर में छिपकली आ गई थी। तो यहाँ पर जो है कपड़े वपड़े पड़े हुए थे, और ये हो गया है दोपहर का टाइम, तो मैंने ना सब काम है ना निपटा लिया था, पूरी अलमारी ना सेट कर दी है अपनी ही और अपने हस्बैंड की भी। तो यहाँ पे ना सब चादर वगैरह और कपड़े मेरे थोड़े बहुत जो भी हैं, यहाँ पे मैंने दुपट्टे नमाज वाले लटका रखे हैं, और अपने हस्बैंड की भी, जैसे कि ये है जब भी है ना अलमारी में अपने लिए कुछ भी कपड़े निकालते हैं ना, तो सारे कपड़े तहस नहस कर देते हैं, पूरी अलमारी की सेटिंग ख़राब कर देते हैं, चाहे कितनी भी कर लो, पर मुझे हर दूसरे तीसरे दिन है ना अलमारी सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इनके कपड़े रख दिए हैं, एक तरफ इनकी शर्ट है रखी, टी शर्ट है, एक तरफ पैंट रखी हुई है, और इनकी वाली जैकेट है, दो जैकेट है जो इन्हें अब मैं रखूँगी, और ये वाला सूट जो है मैंने पहनना है। तो अब जब मैं फ्रेश होंगी तो जब मैं इसे पहनूँगी, और ये है किचन टाल, तो इसे किचन में लेके जाती हूँ मैं। और यहाँ पे ना चादर लटका रखी है, क्योंकि मुझे ना बेड की चादर है ना चेंज करनी है, और ज़रा थोड़ी सी सफाइयाँ भी करनी है घर की, तो देखते हैं कब तक हो पाएगी सफाइयाँ। तो अभी तो खैर अफ्तार का टाइम हो रहा है, अब मैंने भी यानी कि कपड़े वपड़े रखे ना तो काफ़ी देर हो गई थी, तो इसे टाल को रख दूँगी इसकी जगह पर। और फिर अपना अफ्तार का टाइम हो रहा था, तो मैंने आज बनाया था अपने लिए एक अंडा पराठा और एक सिंपल यानी कि हरा धनिया का यूं ही बना लिया था पराठा, तो ये वाला बन रहा था अंडा पराठा। तो इसके बाद बस और कुछ तो मैंने फालतू की चीज़ बनाई नहीं थी, फ्रूट्स काट लिए थे, और बस माशाल्लाह से हमारा रोज़ा पूरा हो गया था। अब बस इस रोज़ा खोलने के बाद मुझे कुछ और भी काम करने हैं, नमाज पढ़ने के बाद एक घंटा आराम करूँगी, फिर उसके बाद करूँगी। तो यहाँ जब मैं आराम कर रही थी, रोज़ा खोलने के बाद शरीर में थोड़ा सा ना वीकनेस ही पता नहीं क्यों आ जाती है, तो यहाँ पे जेंगो मेंगो भी मेरे पास आके बैठ गया था, दोनों यहीं सो रहे थे बराबर में। तो मैं चलो कोई बात नहीं, चादर तो चेंज ही करनी है, इनके बाल आजकल ना कुछ ज़्यादा ही टूट रहे हैं, तो इनकी है ना थोड़ी सी गर्मी जब ज़्यादा हो जाएगी ना, इनकी है ना कटिंग भी करवा के लेकर आनी है मुझे। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसे मसाज दे रही थी, और वहाँ पे मैडम भी आराम से सो रही थी, ये ज़्यादा गहरी नींद में थी, जेंगो तो थोड़ी देर बाद भाग भी गया था। तो यहाँ पे मेरी ना सफाइयाँ जो हैं कंप्लीट हो गई हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा रूम स्प्रे डालना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने पानी और लस्सी निकाल के रख रखी थी, तो पहले ना रूम स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ना पूरे घर की झाड़ू निकालने के बाद, जो जाले वाले आ रहे थे उन सबको साफ़ करने के बाद मैंने ना यानी कि वॉश कर दिया था, उससे अच्छे से ना साफ़ हो जाता है। और दोनों कमरे में थोड़ा सा स्प्रे भी कर दिया, और यहाँ पर छोटे वाले कमरे में भी और बाहर वाले कमरे में भी, और यहाँ पे जेंगो मैंगो बैठा हुआ है, तो ये जहाँ बैठते हैं ना वहाँ पर भी थोड़ा सा स्प्रे कर दिया था। तो बस अब जो है अपनी लस्सी पे यानी कि लस्सी पियेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जब मैंने अफ्तियारी बनाई थी ना तो जब इसी बच गई थी थोड़ी सी, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दी थी, बाद में पी लूँगी। तो आज मैंने बनाई है मूंग मसूर की दाल, तो इसके अंदर हरा धनिया डाला है मैंने यानी कि सूखा हुआ जो था, अब मेरे हस्बैंड के मुंह में नहीं आएगा बिल्कुल, मेथी की तरह ना बिल्कुल बारीक करके डाला था।